नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सत्र में आप शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखते हैं। मान लीजिए px तथा gx दो बहुपद दिए गए हैं, जिसमें px को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, अर्थात px बराबर gx गुणा qx जमा rx। शेषफल की कोटि सदैव भाजक की कोटि से कम होती है। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है x की घात 4 जमा x की घात 3 ऋण 2 गुणा x का वर्ग जमा x जमा 1 को x ऋण 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को ज्ञात कीजिए। इसके लिए इसे दिखाए अनुसार लिखते हैं। क्योंकि x की घात 4 का x से भाग देने पर x का घन प्राप्त होता है, अतः x के घन को x ऋण 1 से गुणा करने पर प्राप्त होता है x की घात 4 ऋण x की घात 3। दोनों समीकरणों को घटाने पर प्राप्त होता है 2 गुणा x की घात 3 ऋण 2 गुणा x का वर्ग जमा x जमा 1। अब पुनः धनात्मक 2 गुणा x का वर्ग को x ऋण 1 से गुणा करने पर प्राप्त होता है 2 गुणा x का घन ऋण 2 गुणा x का वर्ग। दोनों समीकरणों को घटाने पर प्राप्त होता है x जमा 1। अब धनात्मक 1 से x ऋण 1 को गुणा करने पर प्राप्त होता है x ऋण 1। पुनः दोनों समीकरणों को घटाने पर हमें 2 प्राप्त होता है, अर्थात x की घात 4 जमा x की घात 3 ऋण 2 गुणा x का वर्ग जमा x जमा 1 बराबर x ऋण 1 गुणा x की घात 3 जमा 2 गुणा x का वर्ग जमा 1 जमा 2। अतः दिए गए प्रश्न में शेषफल का मान 2 है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्रश्न में शेषफल का मान 2 प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हैं कि भाज्य क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। शाबाश। आइए अब एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर शेषफल निकालने की इस विधि के अलावा शेषफल निकालने की एक अन्य विधि का अध्ययन करते हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि n घातीय बहुपद px को एक घातीय बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भाजक की तुलना शून्य से कर चर राशि का एक मान प्राप्त किया जाता है। फिर चर राशि के इस मान को बहुपद में प्रतिस्थापित करने से जो मान प्राप्त होता है वह शेषफल कहलाता है। आइए एक प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है बहुपद px बराबर 4 गुणा x की घात 4 ऋण 3 गुणा x की घात 3 ऋण 2 गुणा x का वर्ग जमा x ऋण 7 को एक अन्य बहुपद gx बराबर x ऋण 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम gx अर्थात x ऋण 1 को शून्य के बराबर रखकर x का मान ज्ञात करते हैं। x ऋण 1 बराबर शून्य अर्थात x बराबर 1। अब दिए गए बहुपद px बराबर 4 गुणा
एक्स की घात चार ऋण तीन गुना एक्स की घात तीन ऋण दो गुना एक्स का वर्ग जमा एक्स ऋण सात में एक्स का मान सर्वत्र एक रखने पर हमें प्राप्त होता है चार गुना एक की घात चार ऋण तीन गुना एक की घात तीन ऋण दो गुना एक की घात दो जमा एक ऋण सात अर्थात ऋणात्मक सात। अतः दिए गए बहुपद पी एक्स बराबर चार गुना एक्स की घात चार ऋण तीन गुना एक्स की घात तीन ऋण दो गुना एक्स का वर्ग जमा एक्स ऋण सात को बहुपद एक्स ऋण एक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का मान ऋणात्मक सात है। इस प्रकार आपने देखा कि भागफल की लंबी विधि के स्थान पर शेषफल प्रमेय को प्रयोग कर दिए गए प्रश्न को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। दिए गए प्रश्न में शेषफल का मान ऋणात्मक सात है। मोहित, जैसा आप देख रहे हैं, दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होगा? शेषफल ज्ञात करने के लिए x की जगह a रखना होगा। शाबाश, आइए अब आगे सीखते हैं। जैसा कि दिया गया है, px बराबर x की घात 3 ऋण a गुणा x की घात 2 जमा 6 गुणा x ऋण a तथा gx बराबर x ऋण a। हमें px को gx से भाग देकर शेषफल का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम gx बराबर शून्य रखकर x का मान ज्ञात करते हैं अर्थात x ऋण a बराबर शून्य अर्थात x बराबर a। x के मान को px में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है pa बराबर a की घात 3 ऋण a गुणा a का वर्ग जमा 6 गुणा a ऋण a अर्थात pa बराबर 5 गुणा a। अतः दिए गए प्रश्न में शेषफल का मान 5 गुणा a है। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न में शेषफल का मान 5 गुणा a है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि px एक बहुपद है जिसकी कोटि एक या एक से अधिक है तथा a एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि pa बराबर शून्य, तो x ऋण a px का एक गुणनखंड होता है। आइए देखते हैं कि क्या x जमा 2 बहुपद x की घात 3 जमा 3 गुणा x का वर्ग जमा 5 गुणा x जमा 6 और बहुपद 2 गुणा x जमा 4 का गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए सर्वप्रथम x जमा 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर ऋणात्मक 2। अब दिए गए प्रथम बहुपद x की घात 3 जमा 3 गुणा x का वर्ग जमा 5 गुणा x जमा 6 में x के स्थान पर सर्वत्र ऋणात्मक 2 प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 2 का घन जमा 3 गुणा ऋणात्मक 2 का वर्ग जमा 5 गुणा ऋणात्मक 2 जमा 6 अर्थात 0। अतः x जमा 2 दिए गए बहुपद x की घात 3 जमा 3 गुणा x का वर्ग जमा 5 गुणा x जमा 6 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार दिए गए दूसरे बहुपद 2 गुणा x जमा 4 में सर्वत्र x बराबर ऋणात्मक 2 प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुणा ऋणात्मक 2 जमा 4 अर्थात 0। अतः
एक्स जमा दो इस बहुपद दो गुणा एक्स जमा चार का भी गुणनखंड है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है एक्स की घात तीन ऋण तेईस गुणा एक्स का वर्ग जमा 142 गुणा एक्स ऋण 120। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए व्यंजक के अचर पद के सभी पूर्णांक गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दिए गए अनुसार व्यंजक में अचर पद है ऋणात्मक 120, अतः हम ऋणात्मक 120 के सभी गुणनखंडों को पता करते हैं। इनमें से कुछ गुणनखंड हैं धनात्मक व ऋणात्मक एक, धनात्मक व ऋणात्मक दो तथा धनात्मक व ऋणात्मक तीन। आइए अब दिए गए बीजीय व्यंजक में x का मान एक रखने पर p1 बराबर शून्य प्राप्त होता है, अर्थात x ऋण एक px का एक गुणनखंड है। अब px को x ऋण एक से भाग देकर भागफल ज्ञात करते हैं, अतः इस प्रकार x की घात तीन ऋण तेईस गुणा एक्स का वर्ग जमा 142 गुणा एक्स ऋण 120 बराबर एक्स ऋण एक गुणा एक्स का वर्ग ऋण 22 गुणा एक्स जमा 120। अब पुनः एक्स का वर्ग ऋण 22 गुणा एक्स जमा 120 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं, जो कि एक्स ऋण 12 गुणा एक्स ऋण 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार एक्स की घात 3 ऋण 23 गुणा एक्स का वर्ग जमा 142 गुणा एक्स ऋण 120 के गुणनखंड हैं एक्स ऋण 1 गुणा एक्स ऋण 12 गुणा एक्स ऋण 10। इस प्रकार आपने देखा कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर हम किसी बहुपद के विभिन्न गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब किसी द्विघाती बहुपद के गुणनखंड को ज्ञात करने की एक और विधि का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए एक बहुपद a गुणा x का वर्ग जमा b गुणा x जमा c दिया गया है। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम a b तथा c के मान ज्ञात करते हैं। अब b को ऐसे दो टुकड़ों में विभक्त करते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर पुनः b प्राप्त हो तथा जिन्हें गुणा करने पर a गुणा c के बराबर मान प्राप्त होता हो। माना वे दो भाग हैं m तथा n, अतः m जमा n बराबर b अथवा m ऋण n बराबर b तथा m गुणा n बराबर a गुणा c। इस प्रकार दिए गए बहुपद को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं a गुणा x का वर्ग जमा b गुणा x जमा c बराबर a गुणा x का वर्ग जमा m जमा n गुणा x जमा c। अतः a गुणा x का वर्ग जमा b गुणा x जमा c के दो गुणनखंड x जमा m गुणा x जमा n होंगे। उदाहरण के लिए एक बहुपद जो इस प्रकार है x का वर्ग ऋण 5 गुणा x जमा 6, इसमें a बराबर 1 b बराबर ऋणात्मक 5 तथा c बराबर 6 है।
इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें ऋणात्मक 5 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिससे दोनों भागों को जोड़ने या घटाने पर पुनः ऋणात्मक 5 आ जाता हो तथा उन्हें गुणा करने पर 6 प्राप्त होता हो। आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक 5 को हम दो भागों ऋणात्मक 3 तथा ऋणात्मक 2 में विभक्त कर सकते हैं जिनका गुणनफल 6 प्राप्त होता है। अतः जैसा आप देख रहे हैं x का वर्ग ऋण 5 गुणा x जमा 6 बराबर x का वर्ग ऋण 3 जमा 2 गुणा x जमा 6 अर्थात x का वर्ग ऋण 3 गुणा x ऋण 2 गुणा x जमा 6। प्रथम दो पदों व अंतिम दो पदों की गणना करने पर x गुणा x ऋण 3 ऋण 2 गुणा x ऋण 3 अर्थात x ऋण 3 गुणा x ऋण 2। इस प्रकार दिए गए बहुपद x का वर्ग ऋण 5 गुणा x जमा 6 के गुणनखंड हैं x ऋण 2 गुणा x ऋण 3। इस प्रकार आपने सीखा कि किसी बहुपद के मध्य पद को विभाजित कर बहुपद के गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, क्या आप मुझे ऐसी दो संख्याएं बता सकते हैं जिनका योग ऋणात्मक 22 तथा गुणनफल 120 प्राप्त होता है? ऋण 12 और ऋण 10। शाबाश। आज के सत्र में आपने शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय के बारे में सीखा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आइए अब तक पढ़े गए तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हैं। इस खंड में आपने सीखा शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि px एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है और px को x ऋण a से भाग दें तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल का मान pa के बराबर होता है। इसी प्रकार गुणनखंड प्रमेय, यदि x ऋण a px का एक गुणनखंड है तो pa बराबर 0।